अब 1 रुपए में मिलेगा भरपेट खाना। सबसे सस्ती थाली होगी सेहत से भरपूर, जिसमें आपको मिलेंगे इतने आइटम कि आप खा भी नहीं पाएंगे। सब्जी, रोटी, दाल, चावल और भी बहुत कुछ। 1 रुपए में परोसने की हो रही तैयारी। आत्मसम्मान के साथ गरीबों का पेट भरने का बनाया प्लान। इससे सस्ता और इससे अच्छा खाना आज तक नहीं मिला होगा, लेकिन इस योजना के लागू होने से अब मजदूर तबका आसानी से पेट भर पाएगा। अक्सर खाने की क्वालिटी और कीमत को लेकर सवाल किया जाता है और अक्सर इस मुद्दे पर बहस होती है कि आखिर मजदूर तबके को और गरीब लोगों को सस्ता और अच्छा खाना कब मिलेगा। तो फिर अब चिंता करना छोड़ दीजिए, प्लान तैयार है और सेहत से भरपूर थाली बाजार में लॉन्च होने के लिए भी तैयार है। महज 1 रुपए में खाना परोसने की तैयारी हो रही है, जिसमें सेहत का खजाना छुपा होगा और वो व्यंजन परोसे जाएंगे जिनसे आपकी सेहत एकदम दुरुस्त रहेगी। विधानसभा अध्यक्ष ने एक बैठक की और फिर निर्देश देते हुए कहा कि इस योजना को जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी लॉन्च कर दिया जाए, ताकि कोई भूखा ना रहे और ना किसी को ये चिंता रहे कि आज जेब में पैसे नहीं है तो फिर खाना कैसे मिलेगा। अगर शख्स की जेब में 1 रुपया है तो फिर उसे खाना जरूर मिलेगा, और वो खाने में ये नहीं कि सिर्फ दाल चावल से काम चला लिया जाए, बल्कि वो सब आइटम मिलेंगे जो सेहत के लिए अच्छे हों और खाने में जिनकी जरूरत हो। दरअसल जवाहरलाल नेहरू अस्पताल अजमेर में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को एक बैठक की, जिसमें उन्होंने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि जवाहर फाउंडेशन और स्वाभिमान ट्रस्ट की तरफ से अस्पताल में एक भोजनालय की शुरुआत की जाएगी, जिसमें अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को महज 1 रुपए में भरपेट भोजन दिया जाएगा। आपको बता दें कि यूं तो अधिकतर अस्पतालों में भोजन उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन ये दर 5 और 10 रुपए होती है, लेकिन अजमेर में भोजन की दर महज 1 रुपए रखी गई है, जो कि ना के बराबर है। इस संबंध में अस्पताल प्रशासन को आदेश दिए गए हैं कि जल्द ही स्थान का चयन कर ले, ताकि अस्पताल परिसर में रसोई की शुरुआत की जा सके। अस्पताल में भोजन की सुविधा शुरू होने से रोगियों और उनके परिजनों को भोजन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। अभी उन्हें भोजन या तो घर से लाना पड़ता है या फिर होटल से खरीदना पड़ता है, लेकिन जल्द ही उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अस्पताल में मरीजों को मिलने वाली थाली पौष्टिक होगी, जिसमें रोटी, सब्जी, दाल और चावल होंगे। इस भोजन में शुद्धता और स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा, ताकि मरीजों को अस्पताल में ही घर जैसा खाना मिल सके और परिवार के लोग भी अगर खाना चाहें तो उन्हें भी सस्ता खाना मिल सके। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से जब से ऐसे आदेश दिए गए हैं, तब से प्रशासन की तरफ से लगातार इस पहलू पर काम किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जल्द ही इस भोजनालय को शुरू कर दिया जाए, ताकि मरीजों को भी आसानी हो सके और उनके साथ आने वाले तीमारदारों को भी परेशानी हो सके। आपको बता दें कि खाने की कीमत को लेकर अक्सर सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन अब विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर 1 रुपए में जब खाना मिलेगा तो लोगों को फिर ये चिंता नहीं रहेगी कि जेब में पैसा है या नहीं है। अगर 1 रुपया भी उनकी जेब में है तो उन्हें भरपेट खाना जरूर मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।